कौन सी चीज जो कई बार हमसे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप जरूर बताएं कि हम अपने क्लेम्स कैसे कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारे पास कोई सामान आया, उसकी बॉटल खुली रह गई, जिस वजह से सामान सारा बह गया, दूसरा प्रोडक्ट भी गीला हो गया, खराब हो गया, या फिर कोई प्रोडक्ट हमें किसी वजह से खाली मिला या मिसिंग था, मिला ही नहीं, तो उस केस में हम क्लेम करते हैं। और क्लेम करने के लिए हमें क्लिक करना होता है ऑर्डर पे। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होता है लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्डर हिस्ट्री के नीचे, देखिए एक ऑप्शन है क्लेम और रिटर्न का, और क्लेम्स एंड रिटर्न्स पे जब हम क्लिक करते हैं सो हमें एक और विंडो मिलती है जहां पे जाकर के अब ये हमसे पूछता है कंसल्टेंट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कंसल्टेंट नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, मेरे को मेरी जितनी भी रसीदें हैं वो दिखा रहा है, मैंने इनवॉइस पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, और अब मेरे को उस ऑर्डर में क्या करना है। सो आई वॉन्ट टू रिटर्न और एक्सचेंज और रिपोर्ट मिसिंग प्रोडक्ट, पहला ही वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए, और इसमें आपका जो भी सामान आपको लगता है कि ये सामान आपका गलत आया है उसको देखिए कि कौन सा सामान था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये बॉडी लोशन गड़बड़ आया है तो मैं बॉडी लोशन पे जाऊंगा, मेरे को रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, या फिर एज अ मिसिंग क्लेम करना है, इन तीनों में से जो भी करना है वो मैं चूज कर सकता हूँ। अगर ये सामान मुझे रिटर्न करना है, मेरे को इसके पैसे चाहिए, तो मैं रिटर्न पे क्लिक करूंगा। अगर इस सामान के बदले मुझे एक्सचेंज करना है, मतलब यही सामान मुझे फिर से चाहिए या इसके बदले कुछ और चाहिए, तो मैं एक्सचेंज पे क्लिक करूंगा। और अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास आया ही नहीं है सो मैं मिसिंग पे क्लिक करूंगा। तो जो भी रेलेवेंट हो उस पे क्लिक कर लीजिए। लेट से मेरे को इस सामान के बदले यही सामान चाहिए, तो मैं एक्सचेंज पे क्लिक कर रहा हूँ। अनवॉन्टेड प्रोडक्ट था, डैमेज था, या एडवर्स रिएक्शन था, जो भी वजह है, सो लेट से डैमेज था। उसके बाद में से इसका सब ऑप्शन पूछ रहा है कि पैकिंग का इश्यू था, प्रोडक्ट कंटेनर का इश्यू था, कंटेंट क्वालिटी था, या कंटेंट की क्वांटिटी का इश्यू था। सो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट था जो बह रहा था, तो प्रोडक्ट कंटेनर इश्यू में लिख लूंगा, प्रोडक्ट कंटेनर इश्यू डालूंगा तो मेरे को फिर ऑप्शन आएगा डैमेज कंटेनर, फंक्शनल डिफेक्ट, या फिर प्रोडक्ट लीक कर रहा। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लीक कर रहा तो मैंने लीकिंग पे डाल दिया, कैनॉट फाइंड बैच कोड डाल दिया, अगर मुझे बैच नंबर नहीं मिल रहा जो कि प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है, अगर बैच कोड मिल रहा है तो डाल दीजिए, नहीं मिल रहा तो आप इस पे कैनॉट फाइंड बैच कोड डाल दीजिए। फिर इसके बदले मुझे कौन सा सामान चाहिए, सो अगर कोई और प्रोडक्ट चाहिए तो मैं वो लिख सकता हूँ, और अगर मुझे यही सामान चाहिए तो मैं इस सामान का कोड डाल दूंगा यहाँ पे, और अगर वो अवेलेबल हो तो मुझे दिख जाएगा कि वो अवेलेबल है। उसके बाद ऐसे जो जो सामान मेरा खराब हुआ हो, उसकी वजह से खराब हुआ, वो सब मैं रेलिवेंट ऑप्शन डाल करके और फिर आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। जब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा सो कंटिन्यू करने के बाद मेरे को एक बार ये फाइनल ऑप्शन दिखाएगा कि एक बार आप चेक कर लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं है। और अब मेरे से यहाँ पे दो ऑप्शंस पूछ रहा है कि सेंड दिस प्रोडक्ट विद माय नेक्स्ट ऑर्डर, या सेंड दिस प्रोडक्ट एज अ सेपरेट ऑर्डर, अगले ऑर्डर के साथ भेजना है या फिर अलग से भेजना है। तो अगर मैंने नीचे वाला चूज किया है सेंड दिस प्रोडक्ट एज अ सेपरेट ऑर्डर, तो ये बिना किसी चार्ज के मेरे घर पे, बिना किसी कोरियर, बिना किसी हैंडलिंग फीस के आ जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट ऑर्डर चूज करूंगा तो ये जब मैं अगली बार अपना ऑर्डर प्लेस करूंगा तो उस ऑर्डर के साथ अपने आप जुड़ के आ जाएगा, चाहे मैं इसका प्रोडक्ट कोड डालूं या ना डालूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेपरेट ऑर्डर चूज कर लिया। अब जो भी मैंने डिलीवरी ऑप्शन चूज करना है, डिलीवरी ऑप्शन चूज कर लिया। सो लेट्स से मुझे ये सामान घर पे चाहिए, सो मैंने होम डिलीवरी चूज कर लिया, और कोरियर इंडिविजुअल लखनऊ चूज कर लिया, और अपना एड्रेस जो सभी है वो एड्रेस चूज कर लिया, और कन्फर्म एंड सेंड पे जब मैं क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास एक क्लेम नंबर आ जाएगा। ये क्लेम नंबर मेरे को लिख लेना है ध्यान से, और ये क्लेम नंबर मुझे इस डैमेज प्रोडक्ट के साथ जाकर के ऑफिस में जमा कराना होगा। जब इसको मैं ऑफिस में जमा करा दूंगा, वो क्लेम मेरा अप्रूव हो जाएगा, तब ये सामान कंपनी से डिस्पैच होगा और मेरे घर पे बिना किसी चार्ज के आ जाएगा, जो भी मैंने ऑप्शन चूज किया होगा कि मेरे घर पे आना है या फिर मेरे अगले ऑर्डर के साथ में आना है। अगर ये सामान आपका मिसिंग का था और आपने मिसिंग का क्लेम डालना है तो आपने क्लेम नंबर नोट कर लेना है। आपके पास जो भी इनवॉइस आई है उसकी फोटो खींच लीजिए उसको, या फिर स्कैन कर लीजिए, और उसको आपने इस क्लेम नंबर के साथ पे हमारी कंपनी की वेबसाइट ईमेल आईडी पे मेल करना है। आप जब मेल करोगे तो कंपनी वाले लोग जो हैं आपका पूरा सामान वापस से पैक करेंगे, वापस से एक पॉलिथीन में डालेंगे जैसे कि उन्होंने पैक किया था, उसको तौलेंगे, और अगर वेट में डिफरेंस होता, मतलब कि जो सामान एक्चुअली पैक होकर के लेट से 2 किलो को होना चाहिए था और आपका सामान जो है वो आपके पास जो आया है उसमें वेट 1 किलो 800 ग्राम लिखा है, मतलब 200 ग्राम का अंतर है, मतलब कि ये सामान आपके पास नहीं गया और आप सही बोल रहे हैं, उस केस में ये सामान आपके पास आ जाएगा। अगर
आपका वेट मैच करता है, तो दो चीजें हो सकती हैं कि या तो आपके पास सामान गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मिस हो गया आपके एंड से, या फिर कोरियर वाले ने बीच से निकाल लिया है। अगर कोरियर वाले ने बीच से सामान आपका निकाल लिया है, आपको आपका सामान लेते वक्त ध्यान से देखना है कि आपका पैकेट जो है वो पूरी तरह से पैक्ड है कि नहीं है, कहीं पे कोई अलग से कंपनी के टेप के अलावा टेप तो नहीं लगा है, कहीं से फटा तो नहीं है। आपको जरा सा भी संदेह होता है तो जिस समय आप कुरियर वाले से यह सामान ले रहे हैं उसी वक्त उस रसीद पे साइन करने से करते वक्त आप उस पे क्लियरली लिख दीजिए कि पैकेट जो है वो डैमेज कंडीशन में मुझे मिला है और ये इस तरह से कटा हुआ है। उसकी एक फोटोग्राफ भी कोशिश करके उस वक्त ले लीजिए। आप सामान ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी सामान उसमें से निकला होगा हम कुरियर वाले के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपने बिना कुछ लिखे और साइन कर दिया फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। सो इस तरीके से हम लोग क्लेम करते हैं।